रूपम ये ब्लॉक बेटर है, ये ब्लॉक बेटर है। आज आप कुछ मत लो, कुछ मत करो, खाली पैर ऊपर रखो। किशोर का मॉनिटर मिलेगा, प्लीज अवॉइड करो बिल्डिंग। हम लोग खींचेगा ना सर, ये पैसे खुश है हमारे कैसे के सर। पीछे रहो घूमना, किस तरह पीछे रहते ना, पीछे रहते कनेक्टर वाला छोड़ देना, वो तो डाल पहले जो हमको दिख रहा था। आप आया देखो तो हम देखे रोलिंग। बहुत अच्छा था मगर हाथ फॉलो कर रहे थे। लोकेशन तो फिल्म सिटी है जो बॉम्बे में है। सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है हमारे मूवी में। सॉर्ट ऑफ दो एक्शन सीक्वेंसेस है, एक जो क्लाइमैक्स है और एक और क्लाइमैक्स है। सो ये उसमें से एक है विच इज़ बीइंग हैंडल्ड एंड मैनेज्ड बाय रवि दीवान सर, जो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हम तो अभी नए नए आए, तो एक्शन सीक्वेंस है, स्टंट्स है, गिरना है, उठना है, हार्नेस है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। मज़ा आ रहा है, इजी तो है नहीं बट मज़ा आ रहा है। किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी में आपका? मेरा कैरेक्टर है जिसका नाम है कमलापति डोगरा, प्यार से लोग उसे पपलू बुलाते हैं। पपलू का एक ही मकसद है, वो है हिमालयन रैली जीतना। जाहिर सी बात है कि अगर रैली में जीतना है तो उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, इसीलिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, एंड द थिंग्स ही हैज़ टू डू टू अचीव हिज गोल। दिस इज़ वॉट द मूवी इज़ अबाउट। बेसिकली इट्स अबाउट फोकस। हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है इन वॉट एवर फील्ड ऑफ लाइफ। हमें जो भी चाहिए फोकस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द मोटिव ऑफ द मूवी। जी जी आपको लग भी रहा है कई चोटें। हाँ जी, तो क्या होता है एक्शन तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है, बट क्या है एज गाइज हमें करने मज़ा भी आता है। हैविंग सेड दैट रवि दीवान सर है तो ऑब्वियसली सेफ्टी तो टॉप प्रायोरिटी है।
हार्नेसेस है, बेल्ट्स है, मैट्स है, तो ऐसा कुछ देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू. मजा मिर्ज़ा को कितना डर लग रहा था सीन्स शूट करने में? कहीं शायद कुछ तो होगा ना दिन में डर लग रहा है इतना. डर हर चीज़ में होता है, नर्वसनेस हर चीज़ में होती है. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें थोड़ा डर तो थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही, बट वंस यू डू इट एंड देन यू कीप डूइंग इट तो थोड़ा ईजी होता जाता है. कैसा एक्सपीरियंस रहा आनंद जी के साथ काम करने का? दीपक सर के साथ एक्सपीरियंस वॉज फैबुलस. उनका मेरा रिश्ता जैसे एक बाप बेटे का है, मोर लाइक फ्रेंड्स एक्चुअली. हम एक दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं. आई कैन टेल हिम व्हाटएवर ही वांट्स, ही टेल्स मी, ही शेयर्स थिंग्स, ही शेयर्स एक्सपीरियंसेस विद मी. हैविंग सेड दैट, ही इज ऑल्सो गिविंग मी अ ब्रेक, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. आई होप समडे आई विल बी एबल टू रीपे उन्हें. कैसे पता नहीं, बट आई विल ट्राई. उनके साथ शूट कैसे निकला पता ही नहीं चला. हमने काफ़ी दिनों तक शूट किया है, काफ़ी लोकेशन में शूट किए, और सुबह के 4 बजे 5 बजे 6 बजे रात में कभी भी, मतलब टाइम था नहीं, टाइम का कोई स्लॉट ही नहीं था. बट उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता. ही इज़ सच अ फन पर्सन, सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन एंड सो मच एक्सपीरियंस के आप खो जाएंगे उनके एक्सपीरियंस सुन सुन के, खाली आप खो जाएंगे. मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन द 25th of August इन अ सिनेमा थिएटर नियर यू. एक्सपेक्टेशन तो बहुत ऊँची है. द रिस्पॉन्स टिल नाउ हैज़ बीन ओवरवेलमिंग. मैं बहुत खुश हूँ. मैंने सोचा भी नहीं था कि पीपल विल वेलकम मी इन विद सच ओपन आर्म्स. एवरीवन इज लाइकिंग द सॉन्ग्स, एवरीवन इज लाइकिंग द वाइब ऑफ द फिल्म. सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल, हमारा एक स्टंट सीन बाकी है और ये हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं, जहाँ पे जो मिर्ज़ा है ही इज़ गोना डू सम स्टंट्स. तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी ऑन 25th August. इस मूवी में आपका कैरेक्टर क्या है? वेल, मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लड़की कॉल बबल का है, जो बहुत चुलबुली सी है, चार्मिंग है, शी इज़ वेरी लविंग और बहुत सिंपल सी है. शी हेट्स स्मोकिंग, शी हेट्स ऑल द बैड हैबिट्स एंड वो बहुत जल्दी यकीन कर लेती है लोगों पर. एंड द सेम वे शी फॉल्स इन लव विद अ गाय. जो मूवी में आपका कैरेक्टर है वो कहीं आपके पर्सनल लाइफ से मिलता जुलता तो नहीं? वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक लड़कियां स्वीट होती है, चार्मिंग होती है एंड एवेंचुअली सब लड़कियां प्यार में पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है. डायरेक्टर आनंद जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, इट वॉज़ वेरी वंडरफुल वर्किंग विद दीपक जी. यू नो वो मतलब मैं एक नई कमर हूँ, तो नई कमर के साथ यू नो बहुत हम लोग नर्वस हो जाते हैं, बहुत एंगजाइटी होती है सेट्स पे. हम लोग को ऐसा लगता है कि यू नो कैसा हम लोग, हाउ विल वी फेस ऑल द चैलेंजेस. बट दीपक सर मेड इट सो ईजी विद द न्यू कमर्स. यू नो ही यूज़ टू गिव अस फुल लिबर्टी कि आप करो जो आपको करना है. सो दैट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, दैट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ हिम एंड द टीम वॉज लेड बाय हम, तो बहुत अच्छे से सब लोगों ने हमें ट्रीट किया. जैसे मूवी का नाम है द रैली, तो किस बेस पे मूवी बनी है, इसका थीम क्या है? वेल, रैली इज ऑल अबाउट यू हैव दिस हिमालयन रैली हर साल होता है. सो व्हाट हैपेंस, इट्स ऑल अबाउट रेसिंग. यू नो इट्स अ फर्स्ट इंडियन बॉलीवुड मूवी जो हिमालयन रैली पे बेस्ड है. सो इट्स अबाउट कार्स एंड यू नो हाउ अ गाय मेक्स अ गर्ल फॉल इन लव विद हिम फॉर हिज पैशन. तो मूवी कब रिलीज हो रही है उसके बारे में? मूवी इज़ रिलीजिंग ऑन 25th August दिस मंथ एंड आई एम श्योर यू ऑल गोना लव इट बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट. यू नो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज अदर लव स्टोरीज विच आर यू नो जनरली बेस्ड ऑन रोमांस दिस दैट, बट दिस इज ऑल अबाउट फोकस, पैशन, लव, कार्स एंड वेरी थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस ऑल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.